Who is the master of jugaad here? Ouch. What's up guys, good morning. So today is my day 3 here in McLeodganj and aaj dhoop bahut hi amazing nikli hai, so I'm just thinking to go out and take a walk and get some amazing content for you guys. Content ke alawa thoda bahar jaakar aaj breakfast karke aati hu. Do din se kafi ajeeb sa thanda thanda sa mausam tha, but aaj to kafi sahi lag raha hai. Hope ye aise hi rahe. That's my room and yahan se नीचे जाके यू हैव टू टेक दैट स्लैंड जो मैंने तुम्हें पहले वाली काफ़ी वीडियोस में दिखाया है. उसके बाद वी जस्ट एंटर द मैक्लोडगंज मार्केट. लेकिन गेस व्हाट, आई फाउंड अ शॉर्टकट. हु इज़ द मास्टर ऑफ जुगाड़ हेयर. सो बेसिकली देयर इज़ दिस रोड, ये रोड और वो वाली रोड जाके आगे मिल जाते हैं, ठीक है. एंड दिस इज़ अ शॉर्टकट और ये रोड थोड़ी सी सीधी है कंपेरेटिवली, इस पर स्लैंड नहीं है. लेट मी शो यू. देर इज़ दिस रास्ता जिसमें से मैं जा सकती हूँ. वैसे तो एक थोड़ा सा खुला रास्ता भी है जहाँ से तो मैं बहुत आराम से जा सकती हूँ. दिस वन, सो आई विल गो फ्रॉम दिस वन. पहले सामान रख देते हैं. That's Kora House with the best views possible. That's the temple here. यहाँ से मैं बाहर आई and there His Holiness Dalai Lama की police security है and सामने हैं धौलाधर ranges and आज view काफ़ी सुंदर दिख रहा है because पूरा sky clear है ऊपर से and पूरी बर्फ़ नज़र आ रही है. और that's the road I was talking about जो नीचे तक जाती है Kora House तक. जाते हुए इस road पर कोई problem नहीं होती बिकॉज नीचे उतरना है. आते हुए थोड़ा सा टायरिंग होता है. चलो जी सामने के फोटोज़ लेते हैं थोड़े से बिकॉज काफ़ी क्रेजी व्यू. किसी भी जगह को अगर अच्छे से जानना है, पहचानना है, तो ऐसे अकेले एकदम पैदल ज़रूर निकल जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, प्रेफरेबली मॉर्निंग में ही. और ये मैं अपने हर ट्रिप पर करती हूँ, ये मेरा फिक्स्ड है. तुमने मेरी पहले वाली वीडियोस में भी देखा होगा. कुछ खास पर्पस के साथ नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जस्ट टू यू नो गेट द फील ऑफ द प्लेस, द वाइब ऑफ द प्लेस. एंड वाइब की बात करते हुए, हियर आई सॉ सम प्रेयर स्टोन्स एंड इफ़ यू सी यहाँ पर काफ़ी सारे स्टोन्स को बैलेंस किया हुआ है. सो बेसिकली इट्स अ आर्ट एंड हॉबी एंड इट्स काइंड ऑफ अ मेडिटेटिव प्रैक्टिस ऑल्सो. तो इफ़ यू कैन सी, हम भी देखें ट्राई करके कि कैसे होता है. आई मीन जैसे मैं अभी कर रही हूँ, दैट्स नॉट हाउ इट इज़ सपोज टू बी डन. यू कैन, यू शुड नॉट रिकॉर्ड इट वाइल यू आर डूइंग इट, कंसिडरिंग इट्स अ मेडिटेटिव प्रैक्टिस. बट ये नहीं हुआ ना, ये उप्स, आई गेस ये दो स्टोन साथ में नहीं जाएंगे. वैसे तिब्बतियंस में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी है कि वो काफ़ी सारे स्टोन्स कलेक्ट करके उनका एक जाइंट मंडाला बनाते हैं, लाइक द ह्यूज कलर्ड स्टोन्स एंड दे मेक इट. ओके आई एम एबल, नो 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 नो, ओके डन. इसके ऊपर एक और आएगा शायद. अरे वाह, लेट इट बी. 1 2 3 4 5 6, दिस इज माई बैलेंस्ड स्टोन, डन. आगे चलते हैं. वैसे मेरा आज का प्लान है भागसुनाग जाने का, जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा छोटा सा ट्रैक है. टिल द टॉप वेयर देर इज़ अ वाटरफॉल, देर इज़ अ कैफे एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ टेम्पल विच इज़ शिवा टेम्पल. तो
थोड़ी देर में वहाँ चलते हैं, बट बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू हाउ माई डे इज़ लाइक. ओ टुडे इज़ माई लास्ट डे इन मैक्लॉडगंज ऑल्सो, तो आई वॉन्ट टू टेक इट लाइट, आई वॉन्ट टू टेक इट स्लो एंड आई वॉन्ट टू टेक इट एज मच एज आई कैन बिकॉज मुझे कल वापस बैंगलोर जाना है. तो यहाँ टेम्पल पॉइंट से मेन मैक्लॉडगंज मार्केट शुरू हो जाती है, मैंने तुम्हें लास्ट व्लॉग्स में भी दिखाया था. एंड यहाँ से तुम ये पूरी धौलाधार रेंजेस देख सकते हो, ऊपर सभी बर्फ़ से ढके हुए हैं और ये कुछ कुछ शॉप्स होटल्स वगैरह तुम्हें नज़र आ जाएंगे यहाँ पे. एंड इट्स अ बिजी स्ट्रीट ऑलरेडी, इट्स 10 इन द मॉर्निंग, बट हाँ टाइम भी है यार बिजी होने का. ये टेम्पल एंड मॉनेस्ट्री अभी क्लोज है विजिटर्स के लिए. लकीली मैं यहाँ पर पहले गई हुई हूँ इसलिए मुझे पता है अंदर से कैसा है. इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड आई सो वॉन्टेड कि मैं तुम लोगों को भी वो दिखाऊँ, बट एनीवे जस्ट FYI ये रोड के एंड पे तुम एक पब्लिक वॉशरूम मिल जाएगा जस्ट इन केस. एंड यहीं पर एक पार्किंग है, सो वन पार्किंग इज़ दिस एंड वन पार्किंग यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल से 50 कदम आगे जाके देयर इज़ वन मोर पार्किंग. एंड पार्किंग से ना व्यू बड़े प्यारे हैं, वैसे दूसरे वाली पार्किंग से ज़्यादा प्यारे हैं, बट चलो आ गए तो मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ. दैट्स द सेकेंड पार्किंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इट्स अ मल्टी लेवल पार्किंग. एंड मैक्लॉडगंज की ये वाली रोड इज़ वन वे, लाइक यू कैन जस्ट टेक योर कार इन साइड, पार्क इट एंड देन रोम अराउंड अपने आप पैदल या फिर ऑटो वाटो करके. गाड़ी निकालने का देयर इज़ द डिफरेंट रास्ता. ये अभी सारी शॉप्स सेटअप हो रही हैं एंड इस साइड वाली शॉप्स ऑलमोस्ट ओपन हो चुकी हैं. ये मैं तुम्हें ऑलरेडी वैसे फर्स्ट व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, शॉप्स वाला सामान सब एंड कलेक्शन. सो ब्यूटीफुल ड्रीम कैचर. यहाँ पर बैठते हैं थोड़ी देर. ओ जस्ट FYI तुम्हें यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी शॉप्स बहुत सारी मिल जाएंगी खाना वाना खाने के लिए. एंड ये कश्मीरी शॉप्स फॉर ड्राई फ्रूट्स एंड द व्यूज. दैट्स अ वेरी स्मॉल टेम्पल, ऑलमोस्ट लाइक 50 meters फ्रॉम कोरा हाउस. दिस इज भागसू मेन चौक, यहाँ पर आगे जाके मंदिर है जहाँ से हम आज की ट्रिप की शुरुआत करेंगे. भागसू मेन चौक से ये लेन अंदर आ रही है जहाँ पर दोनों साइड में आप शॉपिंग कर सकते हो. एंड दिस इज़ द रास्ता टू वाटरफॉल एंड टेम्पल एंड देर आर सो मैनी फूड पॉइंट्स एंड स्टे ऑप्शंस ऑल्सो. यहाँ आते हुए दोनों साइड्स पे बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं एंड यहाँ पर आ गया मंदिर. प्रेजेंटेड बाय गोरखा राइफल्स इन द मेमोरी ऑफ देयर स्टे एट धर्मशाला. सो बेसिकली पूरे धर्मशाला का और इस मंदिर के पीछे आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है. That's the way to waterfall. यहाँ पर भी काफ़ी सारी शॉप्स तुम्हें दिख जाएंगी. I'm starting at 1:46. देखते हैं कितना टाइम लगता है ऊपर जाने में. वैसे अप्रॉक्स 20 मिनट का रास्ता है 2 किलोमीटर का. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि यहाँ जिप लाइन भी होती है. कहीं फ़ोन नंबर नहीं दिया हुआ तो आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट. ओ यस, सामने ही हो रही है वो देख सकते हो तुम, यहाँ इस पॉइंट से उस पॉइंट तक. ओके, देयर इज अ वेरी स्मॉल कैफे हियर एंड ऐसे ही ठंडा किया जा रहा है कोल्ड ड्रिंक्स को. लुक एट द लेवल ऑफ जुगाड़, ये देखो तुम.
दिस इज द हाइट्स ऑफ चुगाड़। वैसे ठंडा किया जा रहा है सभी कोल्ड ड्रिंक्स को। इंटरेस्टिंग एडवेंचर कैफे जस्ट लाइक 20 स्टेप्स फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। वेज मोमोज यहाँ लेकिन कोई है नहीं। देयर इज अ सेकंड कैफे नाउ। ये इंफॉर्मेशन नोट कर सकते हो इन केस यू वांट। हेलो, सबसे ज़्यादा क्राउड मैकलॉडगंज में पंजाब से मिलेगा। जल्दी आते हैं बिकॉज ये पंजाब के बहुत ज़्यादा पास लगता है तो फॉर ऑब्वियस रीजंस। थोड़ा सा यहाँ बीच में स्टीप हो जाता है रास्ता एंड थोड़ा सा ही स्ट्रेच है, वैसे ज़्यादा नहीं है बट व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं यहाँ से। और अगर यहाँ पर आओ तो पानी की बॉटल ज़रूर लेकर आना। वैसे तो खरीद भी सकते हो लेकिन क्या ज़रूरत है और प्लास्टिक वेस्ट करने की, तो एक ही रीयूजेबल बॉटल रखो अपने पास। दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल इनिशिएटिव बाय वेस्ट वॉरियर्स एंड इट इज़ अ जेंटल रिमाइंडर दैट प्लीज़ डू नॉट थ्रो योर गार्बेज एंड यूज डस्टबिन्स। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट एंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी हैव। वी आर ऑलमोस्ट देयर। वहाँ से तुम व्यू देखो, एक नीचे रास्ता जा रहा है वेलकम टू आई डोंट नो व्हाट कैफे OUP और OUR व्हाटएवर एंड ये वाला रास्ता ऊपर जा रहा है वाटरफॉल और शिवा कैफे के लिए, तो हमने वहाँ जाना है। ये हरकतें कभी भी मत करना ट्रिप पे, कभी भी करते हो तो ट्रिप पे मत आना, यू डोंट डिजर्व टू बी हियर। कितना टाइम लगता है कि इस चीज़ को यहाँ नहीं फेंके, डस्टबिन में फेंक दो। सच इररिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर्स। आई हैव रीच्ड टू द पॉइंट जहाँ से एक रास्ता वाटरफॉल के लिए जा रहा है एंड ये ऊपर शिवा कैफे जा रहा है, तो पहले मैं शिवा कैफे पर जा रही हूँ। हियर इज़ माई बैग, सो लेट्स गो। सो बेसिकली अगर तुम बिना रुके चलोगे तो रास्ता इज़ ओनली फॉर लाइक 20 मिनट्स, बट मैं तो बहुत ज़्यादा रुक रुक के आई हूँ फोटोज़ खींचते हुए। ओके, सो आई हैव रीच्ड शिवा कैफे एंड काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पूल बना लिया, लास्ट टाइम इट वाज नॉट देयर। लास्ट टाइम आई विजिटेड हियर ऑलमोस्ट 4 इयर्स अगो। लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं वैसे कि आप ऐसे पब्लिक प्लेसेस में अकेले जाके ऐसे व्लॉग करते रहते हो तो आपको क्या अजीब सा नहीं लगता एंड हाउ टू ओवरकम दिस। सो यार ऐसा नहीं है कि अजीब नहीं लगता, डेफिनेटली अजीब लगता है। एंड अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि अजीब नहीं लगता तो आई मीन इट्स नॉट 100% करेक्ट। थोड़ी सी वेयर फीलिंग आती है लेकिन हम उस लेवल से बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी आई एम एट शिवा कैफे एंड तुम पीछे देख सकते हो किस लेवल की भीड़ है और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो देख भी रहे हैं बट की फ़र्क पड़ता है। यहाँ की वाइब्स आर वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी क्रेजी। तो भीड़ काफ़ी है यहाँ पे एंड यहाँ पर हमेशा ही भीड़ रहती है नो मैटर व्हाट। तो पीछे तुम थोड़ा बहुत देख सकते हो एंड यहाँ पर शिव जी की मूर्ति भी है और यहाँ पर बड़े ही अच्छे अच्छे कोट्स इन्होंने लिखे हुए हैं एंड भीड़ तुम यहाँ से देख सकते हो। एंड ऑल्सो हियर इज़ अ वेरी स्मॉल शॉप, यहाँ से इन केस यू वॉन्ट टू डू शॉपिंग तो वाई नॉट। नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पीस, नाइस। I ordered pizza at Shiva Cafe and trust me, it's a must have. It is so tasty and very light. I'm just leaving from Shiva Cafe now to the waterfall. Shiva Cafe se upar se aake there is this rasta jo niche ki side ja raha hai towards Peace Cafe and wahin se hi waterfall ka rasta hai. To Shiva Cafe agar aap aao to ab aaram se wahan 2-3 ghante baith sakte ho. So it's a very लेट बैक चिल वाइब्स काइंड ऑफ प्लेस। इनफैक्ट मेरे को ही 2 घंटे हो गए थे वहाँ पे, तो नाउ बिकॉज आई एम गेटिंग लेट तो मैं नीचे भी वाटरफॉल पर आई हूँ। पानी बहुत ज़्यादा कम है अभी यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा कम। टाइम टू जंप ऑन द स्टोन्स एंड टेक एडवांटेज ऑफ वाटर नॉट बीइंग हियर बिकॉज यहाँ से तुम नज़ारे देखो, यहाँ पर आएंगे बड़े प्यारे प्यारे शॉट्स। Now you know why you need to come to Bhagsufal. मैंने तुम्हें जितना दिखाना था मैंने दिखा दिया एंड येस आई टोटली रिकमेंड कमिंग टू दिस प्लेस इफ़ यू वॉन्ट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद चिल वाइब्स एंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड विद द प्रेयर फ्लैग्स
beautiful sky, the view, and very little bit of water. I was just about to go niche jahan se maine trek start kiya tha, but then I thought ki ab upar aaye hain to thoda sa aur time spend karte hain with myself, so I just put on my favorite music because why not. So with that, I also would like to show you what's inside my bag, because just like that, to start with, these are Yuvon ke headphones, and ye travel mein bahut bahut zyada kaam aate hain mere. And talking about rest of the things, here is the bag that I am carrying. It's a pretty big one because काफ़ी सारी चीज़ें मुझे कैरी करके आनी थी. Now I have this DSLR Nikon का, and then there is this reusable water bottle. ये पूरे ट्रिप पे मैंने इसी से काम चलाया है. And this is the mask. This is the cap. पता नहीं चलता कब ठंड हो जाए, तो इसलिए this is required. This is the comb. Yep, I recently switched to the wooden comb. This is my cell phone. And this is the, oops, this is the tripod for my GoPro. ये मेरे शेड्स का कवर है. दिस इज़ द हिमाचली कैप. ये लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब परचेज़ की थी, तो आई एम जस्ट कैरिंग इट नाउ ताकि मुझे दोबारा परचेज़ नहीं करना पड़े. ये मेरा खजाना. खजाना कैसे, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, रुको. इसमें मेरे सारे रिमोट, मेमोरी कार्ड और बैटरीज वगैरह सब है. नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ द पावर बैंक. ये भी अगेन यूबॉन का है, और इसके साथ ही तीनों टाइप के वायर्स हैं, लाइक वन नॉर्मल एंड्रॉयड वाला, देन सी टाइप एंड देन आईफोन. ऑल दो मेरे को ये दो ज़्यादा यूज़ होते हैं. दिस इज़ द बैग. ये भी मैं अपने साथ रखती हूँ, कई बार अगर थोड़ा और ज़्यादा सामान कुछ परचेज कर लूँ या कुछ भी, तो वो इसमें पूरा आ जाता है. वहाँ कहीं पर मैंने अपनी जैकेट रखी हुई है जो मैं अभी जाते हुए उठाऊँगी. एंड दिस इज़ माई स्पेक्स एंड द केस. और ये वाला बैग मैंने बहुत ही टाइम पहले सरोजनी से लिया था फॉर 80 रुपीज़. या ये अभी भी आपको वैसे वहाँ सरोजनी में लोग मिल जाएंगे बेचते हुए, लेकिन 80 रुपीज़ में तो नहीं मिलेगा आई एम श्योर. इट्स ऑलमोस्ट 5 PM एंड इससे पहले कि अंधेरा हो, तो आई एम जस्ट गोइंग बैक. और ये तो बड़ा कॉमन सा है कि जब आप चढ़ते हो पहाड़ों में तो आपको थकावट होती है, बट वापस आते हुए ज़्यादा फील नहीं होता. तो आई हैव अ बस एट 8 PM टुडे फ्रॉम मैक्लोडगंज इटसेल्फ. एंड बाय द वे, तुम्हें बसेस मैक्लोडगंज से थोड़ी कम मिलेंगी, धर्मशाला से ज़्यादा मिलेंगी. तो जस्ट इन केस यू आर प्लानिंग टू कम हियर, ट्राई टू बुक द बस फ्रॉम मैक्लोडगंज इटसेल्फ, बिकॉज इफ़ नॉट देन तुम्हें धर्मशाला बस स्टैंड तक जाना पड़ेगा, विच विल अगेन टेक लाइक 30 मिनट्स. एंड यू हैव टू बुक अ कैब, यू हैव टू पे फ्यू बक्स एक्स्ट्रा. एंड आई एम एडिंग द नंबर ऑफ बस बुकिंग पोर्टल. फ़ोन कर लेना, मेरा नाम मत लेना, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा. डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ. And please, please, please take a note of this. Just reached back at Kora House, and evenings are amazing from this point. Just look at the skyline. I'm on my way to bus stand. मेरी 8:15 की बस है मैक्लोडगंज से, एंड अभी जाम में मैं ऑलरेडी फंसी हुई हूँ. बहुत ज़्यादा जाम है यार, वीकेंड सीन्स काफ़ी ख़राब होते हैं यहाँ पे. एंड यहाँ मैंने फ़ोन की टॉर्च चलाई हुई है क्योंकि मेरे को लाइट चाहिए थी अपने मुंह पे. जाम देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है. सो मेरे बस वाले भैया का 2-3 बार फ़ोन आ चुका है कि मेरे लिए बस रुकी हुई है. सो आई डिसाइडेड टू वॉक, क्योंकि ये जाम तो नहीं खुलने वाला है. एंड एनी विच वेज, ये बस स्टैंड बहुत पास में ही है, सो व्हाई नॉट वॉक.